दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स असेंबल कंपनी फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में भारत में $19.5 अरब के निवेश का ऐलान किया था। ताइवानी कंपनी ने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन करने वाली थी। अब इसका प्लांट जो था वो गुजरात में लगने वाला था, मगर अब ये डील रद्द कर दी गई। वेदांता ग्रुप से डील रद्द करने के पीछे फॉक्सकॉन ने कोई कारण नहीं बताया है। अब जरा ये समझिए कि डील टूटने की क्या वजह हो सकती है। दरअसल फॉक्सकॉन की घोषणा से ठीक 3 दिन पहले 7 जुलाई को वेदांता ने एक बयान जारी किया था और इस बयान में वेदांता ने कहा कि वो अपनी होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज से इस जॉइंट वेंचर का मालिकाना हक लेने जा रही है। जॉइंट वेंचर अभी तक वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास थी। यही नहीं, भारत सरकार ने जॉइंट वेंचर की फैक्ट्री बनाने की प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को पता था कि जॉइंट वेंचर ठीक से नहीं चल पा रहा, कंपनियों में कुछ मतभेद है और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डील के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण वेदांता की वित्तीय हालत ठीक नहीं होना था। खबरों के मुताबिक कंपनी काफी कर्ज में डूबी हुई है, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जरूरी तकनीक खरीद नहीं पा रही थी। हालांकि वेदांता ने अपने बयान में कहा कि उसने इस फैक्ट्री को बनाने के लिए दूसरे पार्टनर तैयार कर लिए हैं और उसके पास एक जानी मानी इंटीग्रेटेड उपकरण बनाने वाली कंपनी से 40 nm के सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस भी है। खबर तो ऐसी भी है कि भारत सरकार फॉक्सकॉन से संपर्क बनाए हुए हैं और वो उसे स्वतंत्र रूप से सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।